हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? माय फ्रेंड्स, AIBE एग्ज़ाम 2022 की कंप्लीट डिटेल्स जो है आज हम शेयर करने वाले हैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से, और पूरा हम आपको मोड बताएंगे कि कैसे मोड रहेगा, क्या चीज़ें रहेंगी, किन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है, जिससे कि आप जो है एग्ज़ाम देने से पहले मेंटली प्रिपेयर रहें। तो AIBE एग्ज़ाम के हम मेन फीचर्स को आज आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो माय फ्रेंड, सबसे पहले आता है आपके सामने एग्ज़ाम मोड। एग्ज़ाम मोड क्या रहेगा? तो सामने लिखा हुआ है, पढ़ भी सकते हैं, टू बी हेल्ड इन ऑफलाइन पेन एंड पेपर मोड एंड ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड मोड। एग्ज़ाम ड्यूरेशन इसके बाद में आती है, 3 घंटे 30 मिनट का जो है ये आपका जो है एग्ज़ाम रहेगा, जिसको कम्प्लीटली जो है आप अपने इसको एग्ज़ाम को दे सकते हैं। सब्जेक्ट्स जो हैं वो क्या हैं? 19 लो सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर, तो ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। जो पढ़ाई आपने पढ़ी है, अगर आपने अपना 3 ईयर्स LLB किया है, या आप अगर आपने अपना 5 ईयर्स BA LLB किया है, या BCom LLB या BBA LLB किया है, तो जो आपने पढ़ा है उसी में से ही ऑलमोस्ट आने वाला है। अगर आपने लो अपनी ढंग से पढ़ के करिए तो आप इस एग्ज़ाम में फेल नहीं होने वाले हो। सब्जेक्ट जो है वो 19 लो सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर। टोटल क्वेश्चंस कितने आएंगे? वो 100 आएंगे, ठीक है माय फ्रेंड्स। अब 100 किस तरह के रहेंगे वो हम आपको बताने वाले हैं नेक्स्ट, उसके नेक्स्ट लाइन में लिखा है। देखिए आपके सामने टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है वो MCQ रहेंगे। MCQ का मतलब हम आपको नॉर्मली हिंदी भाषा में समझा देते हैं कि जैसे आपने अमिताभ बच्चन का कौन बनेगा करोड़पति वाला जो आपने देखा हुआ है, तो उसी तरीके से एक प्रश्न होता है। प्रश्न में 4 क्वेश्चंस, 4 उसके उत्तर होते हैं, एक प्रश्न के 4 उत्तर होते हैं, जिसमें से एक को आपको टिक मार्क करना होता है। इसके अंदर डिफरेंस ये है कि जो आपको उसमें गोला भरना होगा, ठीक है माय फ्रेंड्स, गोला भर देंगे तो वही आपका आंसर जो है वो माना जाएगा। और एक बार अगर आपने एक गोला भर दिया तो वो वही उसके बाद में आप उसके अंदर चेंज नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आपकी जो आंसर शीट है वो पूरा का पूरा जो प्रश्न है उसको वो खराब मान लिया जाता है, ठीक है। मार्किंग स्कीम क्या है? वो 1 नंबर का पर क्वेश्चन है, जैसे 100 नंबर के हैं तो 1 नंबर का पर प्रश्न, यानी कि 100 नंबर का आपका हो गया पेपर। नो नेगेटिव मार्किंग इन केस ऑफ रॉन्ग अटेम्प्ट्स। माई फ्रेंड्स, कई बार स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि कहीं गलती से अगर हमने गलत कर दिया तो कहीं नंबर तो नहीं कट जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 100 में से पास होने के लिए 40 जो है प्रश्न का सही जवाब देना है, और अगर आप SC या ST कैटेगरी से हैं तो आपको जो है वो ऑलमोस्ट ये लगा लीजिए कि 35 मार्क्स का जो है वो बिल्कुल आपको करेक्ट करना है। कैंडिडेट्स कैन चूज़ फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। माय फ्रेंड, जो टोटल जो है 23 लैंग्वेज जो है इस एग्ज़ाम के लिए यूज़ हो रही है, यानी कि आप ऑल इंडिया लेवल पे अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है या हिंदी नहीं आती है तो आप 23 लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर ये एग्ज़ाम जो है वो आप अपना कंडक्ट कर सकते हैं, दे सकते हैं एग्ज़ाम। मेन जो लैंग्वेजेस हैं मैं आपको बता देता हूँ, इंग्लिश हो गई, बंगाली हो गई, गुजराती, हिंदी हो गई, कश्मीरी हो गई, ठीक है, मलयालम हो गई, मणिपुरी हो गई, मराठी हो गई, नेपाली हो गई, ओरिया हो गई, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ठीक है, ये सभी जो लैंग्वेजेस हैं, डोगरी हो गई, मैथिली हो गई, इन सभी लैंग्वेजेस के अंदर जो है आपका एग्ज़ाम जो है माय फ्रेंड्स होने वाला है। तो ये था अब तक का AIBE का जो पूरा का पूरा पैटर्न जो हमने आपको बताया। अब बात करते हैं इसकी डेट्स के बारे में। तो जो डेट्स हैं इसकी अभी आई नहीं है, डिक्लेयर नहीं हुई है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही एग्ज़ाम के फॉर्म्स निकलते हैं इसके हम आपको टाइमली अपडेट करेंगे। मेन जो थिंग है, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम एक वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो के माध्यम से हम आपको AIBE का कंप्लीट फॉर्म भरना जो है वो सिखाने वाले हैं। माय फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको हमारे आज का अपडेट पसंद आया होगा। इस तरह के वीडियोस हम बनाकर आपके लिए AIBE एग्ज़ाम के बारे में लास्ट तक लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।